महामंगल सूत्र 12, 13 और 14, 12, 13 और 14। महामंगल सूत्र या मंगल सूत्र या मंगल सूत्र, वही मंगल सूत्र जो भारत में अधिकतर औरतें अपने गले में पहनती हैं और काले मोती सजाती हैं। ये शायद ही किसी को पता हो कि ये जो मंगल सूत्र हैं, ये भगवान बुद्ध की 38 बातें हैं, जिनको मंगल बातें बोलते हैं, महामंगल बोलते हैं और महामंगल सूत्र बोलते हैं। सूत्र माने बाद में धागा भी बोला गया, धागे को वैसे तंतु बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, और जो माला होती है उसको माला गुणे बोलते हैं। माला गुणे का मतलब है माला में प्रोया हुआ। तो यहाँ जो ये महामंगल सूत्र हैं, ये 12, 13, 14, बाकी 11 तक मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये वो बातें हैं जिनसे आपका मंगल होता है, आपके बच्चे की उम्र लंबी होती है, आपके पति की उम्र लंबी होती है, आपकी उम्र लंबी होती है, आपके माँ बाप की, आपके सास ससुर की, आपकी नंद की, नंदोई की, जेठ की, जेठानी की, सभी रिश्तेदारों की और पूरे भारत की उम्र लंबी होती है। इसलिए ये 38 सूत्र जो बातें हैं, इनको जीवन में जरूर अपनाइए। जीवन में अपनाएंगे तभी फायदा होगा, गले में लटकाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो 12वें नंबर का जो सूत्र है वो इस तरह से है, माता पितु उपठानं। माता माने मदर हो गई, पितु माने पिता हो गया, फादर हो गया, और उपठानं का मतलब है, उपठान जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेवा को, यानी माता पिता की सेवा करें। जो भगवान बुद्ध की सेवा करते थे वो थे आनंद, आनंद को उपठानक बोलते थे, उपठानक पाली के अंदर, और संस्कृत भाषा में उपस्थानक बोलते थे, उपस्थानक। तो उपस्थानक का मतलब है जो सेवा करता है, उपठानक पाली के अंदर हो गया और उपठानं हो गया सेवा को। तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए? एक तो माँ बाप ने आपको फिजिकल बॉडी दी है, यानी जो ये शरीर में जितने भी गुण मिलते हैं आपका, चाहे रंग है, चाहे नाक है या कान है या सर, ये कद और काठी है, या जो आपका चाल चलन हाव भाव है, ये सारा का सारा माँ बाप से फिजिकल हमें गुणसूत्रों से मिलता है। ये एक नेचुरल और प्राकृतिक प्रोसेस है। मन हमारा बाहर से आता है, हमारा अपना ही होता है, क्योंकि जैसे काम हम इस जीवन में करते हैं, अगले जीवन में जैसा भी मन मिले, जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिले, हो सकता है किसी और प्राणी का मिल जाए, मगर मन साथ जाएगा, यानी कि हमारे कर्म साथ जाएंगे, वो हमारे अपने होते हैं। तो माँ बाप की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको खाना दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, आपकी सुरक्षा की, और आपको अपनी जान देकर भी उन्होंने बचाया, जो कि एक प्राकृतिक नियम है। यानी माँ बाप अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाते हैं। दुनिया में किसी भी प्राणी के सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपनी जान पर खेल जाते हैं और अपने बच्चे को बचाते हैं। उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड, उनसे ज़्यादा सुरक्षा, उनसे ज़्यादा भरोसा दुनिया में कोई भी अन्य नहीं दे सकता। क्योंकि आपको भी माँ बाप बनना है, तो जैसा कर्म आप अपने घर में करेंगे, जैसी सेवा आप अपने घर में करेंगे, आपके बच्चे हूबहू वैसा ही सीखेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके बच्चों का ये भाव मन में अपने आप आएगा कि हमारे माँ बाप ने बहुत सेवा की थी, तो किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आप ये मान के चलना कि आपकी भी सेवा करने वाला कोई होगा नहीं। कोई बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा, कोई बच्चा शर्मा हजूरी में कर दे कि सामाजिक कल्चर है तो अलग बात है। इसलिए माँ बाप की सेवा जो करता है वो सुखी रहता है, उसके मन में एक संतोष रहता है कि अपने पालने वाले, अपने पैदा करने वाले के लिए मैंने अपने आखिरी मिनट तक भी उनका सहयोग किया, उनकी सहायता की, उनके साथ रहा, उनको मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनको अकेला होने का एहसास नहीं दिलाया, उनके बूढ़े होने का एहसास नहीं दिलाया। और इस सेवा भाव से मन में बहुत प्रसन्नता आती है, उससे आपके बच्चे बहुत अच्छी सीख लेते हैं और बच्चे भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। घर में एक शांति का एक मधुर वातावरण बना रहता है जो कि सुख और शांति और आनंद लेके आता है। इसलिए माँ बाप की सेवा करें। 13वें नंबर का है, पुत्र दारस्य संग हो। पुत्र माने तो पुत्र होता है, और दारस्य का मतलब होता है, दार माने होता है इत्थी या स्त्री या पत्नी। आपने एक गाली सुनी होगी पुराने समय में, दारी के मांजा नहीं तो छोड़ूंगा ना,
ये इधर ईस्टर्न जो भारत है या जो नॉर्थ भारत है उसमें बहुत चलती है। दारी के कहां जा रहे हो, दारी के तोए बताऊं का, ये दारी के शब्द है और दारी के साथ में गाली भी लगती है, दारी चौथ के ऐसा भी बोला जाता है। ये गाली बाद में बनी, मगर इससे भी ज्यादा एक शब्द चलता है दराती। दराती जो बनता है वो दारती से बनता है। दारती का मतलब है काटता है, जो उसे फोड़ता है काटता है उससे दराती बना है। यहाँ दार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दार अलग है दराती अलग है, मगर दार का जो अर्थ है वो स्त्री है और जो दारी का है उसका जो मतलब है वो है बेटी से और दारा का मतलब है पुत्र से, यानी दार दारा और दारी का। दार को दारा को दारक भी बोलते हैं, यानी दारक माने हो गया पुत्र और दारी का माने हो गया लड़की और दार माने हो गया स्त्री। एक आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध का एक गौतम बुद्ध एक उत्सव आता है जो ठीक धम्म दिवाली के बाद में आता है जिसको गोवर्धन बोलते हैं, यानी गौतम के धम्म वर्धन। उसमें एक नीचे एक आकृति बनाई जाती है जो ऐसा लगता है जैसे किसी मनुष्य की आकृति है और उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसके साथ में एक गाना गाया जाता है जो लोकगीत है, तेरी तो दारी मारू लोकटी तो नौ मन कजरा रे हरे। ये पूरा अगर लोकगीत आपके पास किसी के पास है तो आप मुझे भेज दें, अगर आप पूरा लोकगीत भेज देंगे तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये जो लोकगीत आता है तेरी तो दारी मारू लोकटी, ये बहुत फेमस है, बचपन में इसको गाते थे, हमने भी देखा है गाते हुए, हम भी साथ जाया करते थे जब छोटे थे। आज तक भी मैं उसका मतलब ढूंढ रहा हूं, अगर सही अक्षर किसी के पास वो भेज दें तो मैं उसका मतलब पाली में बता दूंगा। ये पाली का लोकगीत है क्योंकि इसमें दार शब्द आता है, दारी का शब्द आता है और ये पाली के शब्द है। तो यहाँ जो दारस्य का मतलब है, दारस्य का मतलब है स्त्री, यानी पुत्र का और दारस्य का क्या करना है, संगति, संग हो करना है। संगो का मतलब आतिथ्य करना है, उनका भरण पोषण करना है, उनका खाना पीने का इंतजाम करना है, उनका मान सम्मान करना है, तो संग हो करना है। पुत्र दारस्य संग हो, यानी तेरवा है जो मंगल सूत्र है कि अपना जो पुत्र है या पुत्री है और जो अपनी स्त्री है उसका भरण पोषण करना है, उनका आदर करना है, उनका मान सम्मान करना है, ये तेरवा सूत्र है। और जो चौदवा सूत्र है वो इस प्रकार है, अनाकुला चे कम्मन्ता, अनाकुला चे कम्मन्ता। अनाकुला का मतलब है अनआकुल, अनआकुल का मतलब है अनव्याकुल, यानी कि व्याकुल ना हो, बिना व्याकुल हुए, बेव्याकुल हुए, जिसमें कोई आकुलता ना हो, व्याकुलता ना हो, परेशानी ना हो। चे माने और कम्मन्ता माने ऐसे जीवन के लिए काम करना है या ऐसे काम करें जिसमें व्याकुलता ना हो, यानी कि आपको जो आजीविका के लिए, जो कमाने के लिए या जो आपको पेशा है या जो आपका रोजगार है, आपने वो काम करना है जिसमें व्याकुलता ना रहे। व्याकुलता किसमें, जैसे आपने जैसे सुअर काटने का काम किया या जानवर काटने का काम किया या भैंस काटने का काम किया या बकरा काटने का काम किया, तो अगर आप बकरे को काटेंगे, जानवर को काटेंगे तो आपको व्याकुलता रहेगी। आपने अगर 100 लोगों को शराब बांटी या पिलाई या बेची या खरीदी या बनाई या आपने उसको सहायता दी या लाइसेंस दिया या आपने सिस्टम बनाया या दुकानें खोली सरकारी या गैर सरकारी, आप सरकारी पावर में है तो आपने इसकी परमिशन दी, गैर सरकारी है तो आप बनाते हैं, तो शराब बेचने का, रखने का, पिलाने का, उकसाने का, यानी उसके एडवर्टाइजमेंट में जो काम करते हैं लोग, जो उकसाते हैं टीवी में, जो काम करते हैं या टीवी में जो कलाकार ग्लास शराब का पैक उठा के गाने गाते हैं या वीडियो में जो गाने गाते हैं, जो शराब का बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं, वो सभी लोग जो काम करते हैं वो बेचैनी वाला है। शराब का प्रचार करके या नशे का प्रचार करके कोई भी आदमी चैन वाला काम नहीं कर सकता, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कहीं कोई युद्ध होने की आशंका है, हथियार बना रहे हैं या बेच रहे हैं या जहर बना रहे हैं या बेच रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, सब्जियों में रंग मिला दिए या दूध में आपने वो जो आजकल पाउडर आता है कपड़े धोने का, उससे जो वो बनाते हैं दूध बनाते हैं जहरीला दूध, या वो बना दिया, दालों में मिलावट कर दी, दवाइयों में मिलावट कर दी, या आपने नकली सामान बना दिए, या आपने जो आटा है उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जितने भी काम ऐसे हैं जो नंबर दो के काम हैं जिनको करके आप चोरी से करते हैं, पहली बात तो जो कहीं छुप के करते हैं किसी को बता नहीं सकते और जो पब्लिक के लिए खराब है, वो आपको बेचैनी पैदा करेंगे। आपने सामान दुकान पे बेचा, नकली सामान रख लिया
या आपने ज्यादा पैसा ले लिया या ज्यादा मुनाफा कमा लिया या पुराना सामान दे दिया या सड़े हुए फल दे दिए, सड़े हुए आपने मेवे दे दिए या सड़ा हुआ रखा हुआ कोई आउटडेटेड सामान दे दिया, आपने अपनी चतुराई से उसे बेचा तो वो आपको व्याकुलता देगा, बेचैनी देगा। वो काम नहीं करने हैं, क्योंकि बेचैनी का पैसा, व्याकुलता का पैसा आपके परिवार में बेचैनी ही पैदा करेगा, व्याकुलता ही पैदा करेगा। जो आदमी नंबर दो का पैसा कमा के घर लेके जाते हैं उनके घर में हमेशा अशांति मिलेगी। आप किसी का भी घर चेक कर लेना, चाहे कोई कैसा भी हो, व्याकुल मिलेगा, परेशान मिलेगा, 24 घंटे भागता हुआ मिलेगा, चेहरे पे हमेशा परेशानी रहेगी और एक सीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा और ज्यादा व्याकुल होता रहेगा, या तो बीमारी से मर जाएगा या व्याकुलता से ही कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट वगैरह करके, या उसके परिवार में जो उसके बच्चे हैं वो पीछे सारे खराब हो जाएंगे, वो शराबी, कबाबी, जुआरी, नशेड़ी सारे बन जाएंगे या व्यभिचारी बन जाएंगे, अपनी बाप की नहीं सुनेंगे, माँ की नहीं सुनेंगे, घर में कलह होगा। ये सारी चीजें व्याकुलता वाला जितना भी धंधा है, व्यवसाय है, वो पैदा करता है। ऐतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम है, यानी मंगलों में ये उत्तम है। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगल सूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए, ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और व्यापार चले। क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगल सूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगल सूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगल सूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल सूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगल सूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल, और सूत्र यहां बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की, काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं, और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगल सूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी, जो हमें 38 थी, 38 थी, अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगल सूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया,
बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगल सूत्र है या महामंगल सूत्र है, वो सारे मंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।